हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड बबल सॉर्ट। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लाइक क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। सो टुडे वी विल स्टडी बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। सबसे पहले हम ये लिस्ट लेते हैं। लेट्स टेक दिस लिस्ट जिसको हमने सॉर्ट करना है। Suppose I have this list with seven elements. तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, बेसिकली इसकी पासेज होती हैं। इन द फर्स्ट पास व्हाट वी विल डू, हमने पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। वी विल कंपेयर फर्स्ट टू एलिमेंट्स। तो हमने इन दोनों में से छोटा सर्च करना है। सो वी विल कंपेयर 65 एंड 22। सो विच वन इज स्मॉलर, इनमें से छोटा कौन सा है, 22। सो वी विल स्वैप देम। 22 आगे आ जाएगा और 65 यहां पे, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन सेम। फाइन। नाउ इन द नेक्स्ट आइटरेशन वी विल कंपेयर नेक्स्ट टू एलिमेंट्स। वी विल कंपेयर 65 विद 4, क्योंकि 4 65 से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 65, सो वी विल स्वैप देम। 4 यहां पे आ जाएगा और 65 यहां पे आ जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन एज सच। ओके, ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, ये सेकेंड आइट्रेशन है। नाउ इन द थर्ड आइट्रेशन वी विल कंपेयर 65 विद 99। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो 65 पहले ही 99 से छोटा है, सो वी विल नॉट स्वैप देम। ओके, तो इस आइट्रेशन के बाद एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। नाउ वी विल कंपेयर 99 विद 32, सो दीज टू एलिमेंट्स विल बी कंपेयर इन द नेक्स्ट आइट्रेशन। नाउ 32 इज स्मॉलर देन 99, सो वी विल स्वैप देम। 32 इधर आ गया एंड 99 यहां आ जाएगा, बाकी के एलिमेंट्स एज सच रहेंगे। फाइन। नाउ द नेक्स्ट आइटरेशन वी विल कंपेयर 99 विद 17। नाउ 17 इज स्मॉलर देन 99, तो इनको भी हम स्वैप कर देंगे, बाकी के एलिमेंट हम ऐसे ही लिख देंगे। नाउ इन द नेक्स्ट आइटरेशन, नेक्स्ट लूप में ये लास्ट टू एलिमेंट कंपेयर होंगे। 74 99 से छोटा है, तो अब इन दोनों को भी हमने स्वैप कर दिया और बाकी के एलिमेंट्स ऐसे ही आ गए। तो क्विक सॉर्ट, सॉरी बबल सॉर्ट में बेसिकली होता क्या है, पहली पास के बाद, आफ्टर द फर्स्ट पास, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, द लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच एट इट्स प्लेस, मतलब ये एंड में चला जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट पास। ऐसे ही एट द एंड ऑफ सेकेंड पास, जो सेकेंड लार्जेस्ट होएगा वो अपनी प्लेस पे चला जाएगा, एंड इन द थर्ड पास थर्ड एलिमेंट अपनी थर्ड लास्ट प्लेस पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट पास थी। नाउ वी विल रन द सेकंड पास। अब सेकंड पास में क्या करना है, फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले दो एलिमेंट्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। अब जो हमने लिस्ट को स्वैप करना है, इस लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स को करेंगे। जैसे इसमें सेवन एलिमेंट्स थे, तो सेवंथ पोजिशन वाला अब सॉर्टेड है, बाकी के सिक्स एलिमेंट्स को हमने कंसिडर करना है। सो वी विल कंपेयर देम। नाउ फर्स्ट टू एलिमेंट्स 22 एंड 4, 4 इज स्मॉलर देन 22, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, बाकी के एलिमेंट ऐसे ही, अभी 99 एज सच। नाउ वी विल कंपेयर 22 विद 65, 65 इज ऑलरेडी बिगर देन 22, तो ये अपनी प्लेस पे ही रहेगा। In the next iteration, we'll compare 65 with 32. Now 32 is smaller than 65, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। तो अब हमारे पास आ गया 4, 22, 32, 65, 17, 74 and 99. Now in the next iteration, we'll compare 65 with 17. तो 17 से छोटा है, we'll swap them. 4, 2, 32, 74 and 99. In the next iteration, we'll compare 65 with 74. Now, 65 already 74 se smaller hai, so there will be no swapping. And in the next iteration, 99 is already at its place, so iske saath comparison hona hi nahi hai. So we can see that at the end of second pass, jo second largest element hai, that is 74, wo apni proper place pe aa gaya hai.
Now these two elements are sorted. Okay. Now we are left with this list. अब third pass start होएगी. Now we'll compare 4 with 22. 4 is already at its place, so there will be no change in the list. ये list ऐसे ही अभी आ जाएगी. We'll not change 74 and 99. Now we'll compare 22 with 32. ये भी अपनी place पे हैं, बिल्कुल ठीक. So there will be no change in their positions. Now in the next iteration, we'll compare 32 with 17. Now 17 is smaller than 32, so we'll swap them. 22, 17 यहाँ आ गया, 32, 65, 74 and 99 will remain as such. Now in the next iteration, ये तो अभी हमने consider ही नहीं करने, loop में count ही नहीं करेंगे. जब इसका program बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी, हमने loop ही इस तरह set करनी है, कि next iteration में जो elements sort हो गए हैं, वो loop में process ही नहीं होंगे. So we are left with these four elements only. So last three elements are already sorted. Now in the second pass, fourth pass, what we'll do, we'll consider these four elements. Now 4 will be compared with 22. So ye theek hai, 4 is already smaller than 22. So list will remain as such. Dekha jaye to waise list abhi hi sort ho gayi hui hai. We don't need to change it. थोड़ा सा ही एक स्टेप का रह गया है. Now we'll compare 22 with 17. Since 17 is smaller than 22, so we'll swap them. 17 इधर आ गया, 22 इधर आ गया. Now 22 with 32, they are already at their places. So we can see that the list is sorted after the end of fourth pass. So this is how bubble sort works. At the end of every pass, जो एलिमेंट लार्जेस्ट होता है वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है. फर्स्ट पास में लार्जेस्ट एलिमेंट एंड में लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है. सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है. थर्ड पास में थर्ड लार्जेस्ट अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है. फोर्थ पास में फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन. तो ये लिस्ट में काफी एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड थे, तो इसमें बहुत जल्दी वो सॉल्व हो गया. तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दैट इज बेसिकली एन स्क्वायर. Big O n square. क्योंकि we have to use two loops. In case of worst case complexity, जिसमें list बिल्कुल unsorted है, O n square इसकी time complexity होती है. Because we have to use two loops, nested loops, और loop को n times run करना होता है. So this is all about bubble sort. इसका हम program भी study करेंगे और इसकी algorithm भी, जिसका link मैं description box में दे दूंगी. I hope you understand the concept of bubble sort. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you.